नमस्ते, मैं डॉक्टर कृति वैश, सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल की तरफ से कोरोना महामारी के विषय में आपको आज कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह किया है कि वह हम सब 21 दिन तक अपने अपने घरों में रहें और अपनी घरों की दहलीज को पार ना करें। कोरोना को ऐसे लें, को यानी कोई, रो यानी रोड पर, ना यानी कि ना निकले। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों को ये वायरस फैला सकता है, यानी कि ये जो बीमारी है ये आग की तरह तेजी से फैलती है। शुरुआती दौर में इसका कोई लक्षण नहीं आता, हो सकता है इसका लक्षण आने में 5 से 14 दिन लग जाए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र बचाव का उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग में हमें अपने घरों में ही रहना है और अपने अपने परिवार के लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। अगर पिछले कुछ दिनों में आप विदेश की यात्रा यानी कि जैसे चीन, स्पेन, इटली, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर इत्यादि कोरोना वायरस से ग्रस्त किसी भी देश से यात्रा करके आए हैं, या फिर आपके घर में कोई मेहमान बाहर विदेश यात्रा करके आया है, या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, तो आपको अपने आप को 14 दिनों के लिए अपने घर में एक अलग कमरे में जिसके साथ टॉयलेट अटैच्ड हो वहाँ पर बंद कर लेना चाहिए और अपने परिवार से कम संपर्क रखें ताकि उन लोगों में भी ये संक्रमण ना फैल सके। इन 14 दिनों में आपको देखना है कि आपको कोई लक्षण तो नहीं आ रहे। अब आपको मैं कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में बताऊंगी। ये लक्षण क्या क्या हैं? जैसे तेज़ बुखार, खांसी आना, गले में खराश, जुखाम, सर में दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ। अगर ये लक्षण हो जाते हैं तो आप अपने आप को 14 दिनों तक घर में बंद रखें। अब मैं आपको बताऊंगी हम अपना बचाव कोरोना वायरस से कैसे कर सकते हैं। हम अपने बचाव के लिए सबसे पहले अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी के प्रयोग से धोते रहें, अपने घरों में ही बंद रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभिवादन के समय हाथ मिलाने या गले लगने से बचें और आँख, मुंह या नाक को ना छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, खांसते समय कोहनी का प्रयोग करें, गला सूखने ना दें, तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। अगर आपको खांसी या जुखाम है तो मास्क का प्रयोग करें, पौष्टिक आहार लें और नींद अच्छे से लें। अपने और अपने परिवार को बचाना हमारे ही हाथों में है। अगर आपके लक्षण गंभीर हैं या 14 दिन के भीतर ये लक्षण बढ़ जाते हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए नंबर 011-239-78046 पर तुरंत संपर्क करें। अब हमारे विभाग से एक कर्मचारी अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मैं कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल कोरोना वायरस हमारे देश में फैल रहा है। मैं और आप अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग संक्रमित ना हों और संक्रमण से बचे रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और मेरा परिवार कैसे संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहा है। मैं आजकल कोशिश करता हूँ कि अपने साथ बेहद ज़रूरी सामान ही ऑफिस लेकर आऊँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कपड़े का थैला यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पाया कि हम बैग
रोज नहीं धोते हैं और संक्रमण बैग के द्वारा भी हमारे घरों में पहुंच सकता है, तो मैंने इसलिए कपड़े का पतला थैला यूज़ करना शुरू कर दिया है। और मैं ऑफिस में भी जब आता हूँ तो मैं बहुत सारी सावधानियाँ बरतता हूँ, जैसे मैं ऑफिस आते ही तुरंत अपने हाथ साबुन से धोता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि कहीं अगर मैंने कहीं संक्रमित हुआ है मेरे हाथ, मैंने किसी चीज़ को छुआ है बाहर, तो वो संक्रमण मेरे ऑफिस तक ना पहुँचे। उसके बाद मैं दिन के ऑफिस के दौरान मैं दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोता हूँ। मैं बेवजह किसी से नहीं मिलता, मैं बेवजह इधर उधर नहीं घूमता, इस वजह से कि अगर मेरे में अंदर या किसी के अंदर संक्रमण हो तो आपस में वो एक्सचेंज ना हो। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब एक दूसरे का बचाव इस तरह से कर सकते हैं। मेरा जो घर है वो 3 मंजिल का है, मेरा पूरा परिवार 2nd और 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो गया, हमने पहली मंजिल को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया है। और जब मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूं तो मेरी वाइफ एक बाल्टी गर्म पानी स्टेयर्स पे रख के चली जाती है, और जिसे मैं लेकर आता हूं, आधे पानी को मैं सर्फ़ मिला के अपने सारे कपड़े जो मैं ऑफिस पहन के गया था सारे इसमें डाल देता हूँ और उसे धो के रख देता हूँ, और फिर मैं खुद नहाता हूँ। उसके बाद मैं अपने जो साथ ऑफिस चीज़ें लेके गया था, जैसे फ़ोन या फिर आई कार्ड, उसको मैं सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी संक्रमण मेरे द्वारा मेरे परिवार पे या मेरे घर के अंदर ना पहुँचे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने लेवल पे अपने परिवार को और खुद को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। धन्यवाद।